गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन में पिछली क्लास तक हम लोगों ने 23 न्यूमेरिकल लगा लिए थे, आज 24वां न्यूमेरिकल लगाएंगे उसके आगे। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। न्यूमेरिकल्स का थोड़ा पैटर्न जो है ना बदल लेते हैं। अभी जो न्यूमेरिकल्स आपने पिछले 2-3-4 न्यूमेरिकल लगाए हैं उनमें यह था कि कांच का एक गोला रहता था या वायु का गोला रहता था, उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता था। तो लगभग लगभग आप तरीका समझ गए हैं। तो 2-4 कुछ क्वेश्चंस के लिए हम लोग पैटर्न उसका बदल लेते हैं, फिर वापस से आएंगे उस तरीके के क्वेश्चन तब सॉल्व करेंगे। इससे आपको बीच बीच में याद भी आते जाएगा, ठीक है ना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 24th नंबर क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ 1.50 अपवर्तनांक के कांच के बने एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस है जो कि जिस कांच का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक 1.50 है, उसकी वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस को 1.33 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन भी हम लगाए हैं, लेकिन क्योंकि कुछ टाइम बीत गया इस तरीके के क्वेश्चन लगाने का, इसलिए फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे इसे लिया जा रहा है। अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है, तो गणना कीजिए द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पहली चीज आपको मालूम करनी है द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, दूसरा आपको मालूम करना है द्रव में उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये आपको पता लगाना है। दो बातें पहले नोट करते हैं कि क्या दिया गया है। 1.5 अपवर्तनांक का कांच है, मतलब μgA की वैल्यू है 1.50। उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वायु में फोकस दूरी FA 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है इसलिए पॉजिटिव लेंगे। इस लेंस को 1.33 अपवर्तनांक के द्रव, जो जिस लिक्विड में हमने लेंस को डुबाया है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μLA की वैल्यू दी गई है 1.33, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक गणना करनी है। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, आपको द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पता लगाना है। तो सिंबल क्या बनेगा, μgL द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये हमको मालूम करना है। अब आप बता सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, उसके लिए हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपॉन वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक लेना पड़ेगा, μgA अपॉन μLA। इसको सॉल्व कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। μgA की वैल्यू है 1.50 और μLA की वैल्यू है 1.33। पॉइंट हटाएंगे यहां से, ये 150/133, ये μgL की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। इसका आंसर मैं देखता हूँ किस तरह से दिया है उन्होंने। डिवाइड करा गया है 1.33 से 1.50 को, आप डिवाइड कर दीजिए। ऐसे तो कैंसलेशन तो हो नहीं पाएगा, तो हमको सीधे सीधे डिवाइड ही करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 टाइम्स, तो 133 माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 गए 7, 4 में से 3 गया 1, ठीक है ना। 10 लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, फिर से 1 ही बार जाएगा, तो ये 133, 10 में से 3 गए 7, 6 में से 3 चले गए तो 3, 10 लगाए 0 बढ़ा दिया, 13 × 39, 2 बार करीब करीब जा सकता है। तो 2 × 3 = 6, फिर 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 6 गए 0, 3 में से 2 गया 1, 0 बढ़ा देते हैं, 13 × 8 = 104, ऐसा होता है ना कुछ, 8 × 3 = 24, 8 × 1 = 2 = 10, ठीक है। करीब करीब 8 बार चला जा सकता है या थोड़ा 7 बार चला जाएगा, पर हम इसको लिख सकते हैं दैट μgL इज इक्वल टू 1.13 लिख सकते हैं। कि अगर यहां पर 7 भी आया ना, तो इसको अगर हम छोड़ रहे हैं तो 5 से बड़ा नंबर है, इसलिए इसमें 1 बढ़ा देंगे हम, तो 1.13 ये हमारा आंसर आ जाएगा, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ जाएगा, ठीक है।
ओके, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का जवाब। सेकंड पार्ट पे आपको पता लगाना है द्रव में उत्तल लेंस की फोकस दूरी, द्रव में उत्तल लेंस की फोकस दूरी, द्रव में उत्तल लेंस की फोकस दूरी। आपको इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद होगा, ऐसे क्वेश्चन भी लगाए हैं तो उनमें फॉर्मूले भी यूज किए हैं हमने, एफ ए इंटू म्यू जी ए माइनस वन अपॉन म्यू जी ए अपॉन म्यू एल ए माइनस वन। याद आए ये फॉर्मूला आपको? और आप देखिए म्यू जी ए अपॉन म्यू एल ए, म्यू जी ए अपॉन म्यू एल ए, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? म्यू जी एल एफ एल इज इक्वल टू एफ ए इंटू म्यू जी ए माइनस वन अपॉन म्यू जी एल माइनस वन। और म्यू जी एल की वैल्यू हम पहले से ही सॉल्व कर चुके हैं, 1.13 के बराबर आई है। अब हम वैल्यू लिखेंगे एफ ए की जगह पर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वायु मेलेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। म्यू जी ए माइनस वन, म्यू जी ए है 1.50, माइनस वन कर देंगे तो 0.50 आ जाएगा। म्यू जी एल माइनस वन, म्यू जी एल की वैल्यू 1.13 है, 1.13 में 1 माइनस कर दिया अगर तो 0.13 बच जाएगा। दो अंक पे यहां भी दशमलव है, दो अंक पे यहां भी दशमलव है, कैंसिल कर सकते हैं। एफ एल इज इक्वल टू 50 को 20 से गुणा करिए 1000 आ जाएगा। दो जीरो और पांच दूना 10, इसके बाद बटे में कितना आएगा? 13। अब 13 से इसको आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड तो कर लेंगे ना आप, कि अभी भी 13 का भाग भी देना सिखाएंगे मैम, तो ये कर लीजिएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा 76.92 सेंटीमीटर। मैं भाग नहीं दे रहा हूँ, ये आपको करना है। इसका आंसर आएगा 76.92 सेंटीमीटर। पहले 13 7 91, फिर 9 बच जाएंगे, 13 6 78, उससे भाग देते आप चले जाइएगा, इतने सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, ये अच्छा और आसान क्वेश्चन था, यूपी बोर्ड में पूछा गया है कई बार, आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, ठीक है? नोट करिए जल्दी से इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। लिखा हुआ है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बना है तो म्यू जी ए इज इक्वल टू 1.5, लेंस की वायु में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, एफ ए इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। यदि इसे 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए, द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक दिया 1.2, अगर ऐसे द्रव में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? आपको लेंस की द्रव में फोकस दूरी पता लगानी है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा, एफ एल इज इक्वल टू एफ ए इंटू म्यू जी ए माइनस वन अपॉन म्यू जी ए अपॉन म्यू एल ए माइनस वन। वैसे सारी की सारी वैल्यूज आपको मालूम है, रख करके कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका एफ ए की जगह पर कितना लिख देंगे 50, म्यू जी ए माइनस वन, म्यू जी ए में से एक माइनस कर दो, 1.5 में से एक माइनस कर दोगे तो ये 0.5 बच जाएगा। फिर म्यू जी ए, म्यू जी ए 1.5, म्यू एल ए 1.2 माइनस वन, इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो एफ एल इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 अपॉन, एक अंक पे यहां भी दशमलव, एक अंक पे यहां भी है, कैंसिल कर दीजिए। इसका भी आप दशमलव कैंसिल कर सकते हैं, एक अंक का दशमलव जाएगा, इधर का जीरो भी चला जाएगा। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ऊपर में 25 आ जाएगा।
अपॉन, यहां ध्यान से देखिए, आप चाहे तो कैंसिल कर लें या कैंसिल ना करें, तो इसको यहां ले जाए 15 माइनस 12, 3/12, और 3/12 का मतलब 1/4, 3 × 4 = 12। अब अपॉन में 1/4 आएगा, फिर वो पलट करके 4/1 हो जाएगा। इस तरीके से एफ एल की वैल्यू आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो जब उस लेंस को आप द्रव में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी ना 100 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इस पर और ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, इस तरीके के क्वेश्चन आप कई लगा चुके हैं। 26 नंबर पर आ जाते हैं, लिखा है द्वि-उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। एक द्वि-उत्तल लेंस है, उसकी वक्रता त्रिज्याओं में से पहली 10 सेंटीमीटर, दूसरी 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब साफ है कि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर नहीं है। अब आप बता सकते हैं, अगर पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो इसको प्लस निशान के साथ लेना चाहिए कि माइनस के साथ, और दूसरी वाली वक्रता त्रिज्या आर टू है 20 सेंटीमीटर, किसको प्लस लेना है किसको माइनस? आर टू को माइनस लेना है, आर वन को प्लस लेना है द्वि-उत्तल लेंस में। इसे 1.76 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर, इसे हम जिस द्रव में डुबा रहे हैं उसका अपवर्तनांक दिया गया है म्यू एल ए इज इक्वल टू 1.76। फोकस दूरी ज्ञात करिए उस द्रव के भीतर, इसकी फोकस दूरी आपको मालूम करनी है। कांच का अपवर्तनांक 1.6 दे रखा है इन्होंने, यानी कि म्यू जी ए इज इक्वल टू 1.60 आप लिख सकते हो। द्रव में लेंस की प्रकृति भी बताइए, आपको द्रव के भीतर वो लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा उसका नेचर भी आपको पता लगाना है। तो इतनी सारी चीजें दी गई हैं, उनमें से वो हमको दो चीजें मालूम करनी है, ठीक है। द्रव में लेंस की फोकस दूरी आपको निकालनी है, तो द्रव में लेंस की फोकस दूरी वन अपॉन एफ एल। द्रव में लेंस की फोकस दूरी के लिए एक आप ये यूज कर सकते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं म्यू जी एल माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। म्यू जी एल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? देखिए म्यू जी एल, क्योंकि द्रव में अगर लेंस डूबा होगा तो किरणें द्रव से कांच में जा रही होंगी, तो म्यू जी एल माइनस वन, और म्यू जी एल निकाला जा सकता है म्यू जी ए अपॉन म्यू एल ए माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। म्यू जी ए की वैल्यू है 1.60 अपॉन 1.76 माइनस वन, वन अपॉन आर वन, आर वन है +10 और आर टू है -20। इसे कैलकुलेट करिए, 1/FL इज इक्वल टू, दो अंक पे दशमलव यहां भी कैंसिल कर लीजिए, 160 - 176, 6/7 में से 6 गया 1, माइनस का 16/176, 160 - 176 आया। तो 160 में 176 माइनस करोगे क्या बचेगा? -16 और बटे 176, इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20 एलसीएम आएगा। फिर 10 से डिवाइड करेंगे, दो बार जाएगा, दो का गुणा ऊपर वाले एक से करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 20 एकम 20, 1 एकम 1, 16 से इसको काटो, 16 एकम 16, 1 बचा, फिर 16 एकम 16, माइनस 1/11 गुणे 3/20, माइनस 1/11 गुणे 3/20। इसे सॉल्व करेंगे आप, ये 1/FL, तो 1/FL इज इक्वल टू -3/220। तो FL की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -220/3। FL इज इक्वल टू माइनस
तीन सत्ते 21, एक 22, 10 हो गया, फिर तीन तिया 9, फिर तीन तिया 9, तीन तिया 9, इतने सेंटीमीटर फोकस दूरी आएगी। ठीक है, रही बात नेचर की कि इसका नेचर कैसा होगा, क्या अगर वायु में ये लेंस उत्तल है तो द्रव में डूबने के बाद भी ये लेंस उत्तल रहेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि फोकस दूरी कैसी आ रही है, माइनस में आ रही है, इसलिए नेचर इसका कैसा हो जाएगा, अवतल। वायु में अगर ये लेंस उत्तल की बात बिहेव करेगा तो द्रव के भीतर डूबने के बाद ये लेंस एक अवतल की बात बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए, आगे और लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लिखा हुआ है कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात करिए। सबसे पहले कांच का अपवर्तनांक दिया गया है म्यू जी ए इज इक्वल टू 1.5, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है R1 प्लस 20 सेंटीमीटर होगी तो R2 हो जाएगी माइनस 20 सेंटीमीटर। इसे हमने एक द्रव में डुबाया है, उस द्रव का अपवर्तनांक दिया है म्यू एल ए 1.75। द्रव का अपवर्तनांक अगर दिया है तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक है म्यू एल ए 1.75। डुबाने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात करिए, आपको इसकी फोकस दूरी पता लगानी है और दूसरी चीज इसका नेचर भी आपको मालूम करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जो फॉर्मूला आपने अभी पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है वही फॉर्मूला आप यूज़ कर लें। द्रव में लेंस की फोकस दूरी, द्रव में लेंस की फोकस दूरी, उसके लिए आप 1/FL, द्रव में लेंस डूबा हुआ है तो किरणें जब लेंस में पहुंचेंगी तो द्रव से लेंस में पहुंचेंगी, इसलिए यहां पर यूज होगा म्यू जी एल माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2, बस ये यूज करेंगे। म्यू जी एल को कैसे निकाला जाए, म्यू जी ए अपॉन म्यू एल ए माइनस 1, अपवर्तनांक में ये सब चीजें बताई गई हैं आपको, 1/R1 माइनस 1/R2। म्यू जी ए, म्यू जी ए है 1.5, म्यू एल ए की वैल्यू है 1.75 माइनस 1, 1/R1, R1 है प्लस 20 माइनस R2 है माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आप यहां पर देखिए ये दो अंक पे दशमलव है, ये एक अंक पे दशमलव है, एक जीरो पर बढ़ा सकते हैं हम, इसको हम 25 से कैंसिल करेंगे तो ये 1/FL इज इक्वल टू 25 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा और 7 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा 175 माइनस 1। उसके साथ ये देखिए 1/20 प्लस 1/20 2/20 हो जाएगा, ये 2/20। अब इसे और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 1/7 आएगा, 6/7 माइनस 1, ये यहां पर जाएगा माइनस 1/7 और यहां पर ये 1/10 आ जाएगा, 2 × 1 = 2 10 × 2 = 20, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/FL इज इक्वल टू 1/70, तो FL इज इक्वल टू माइनस 70 सेंटीमीटर। तो जो भी लेंस है द्रव के भीतर उसकी फोकस दूरी 70 सेंटीमीटर के बराबर होगी। दूसरा नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है अगर हवा में वो उत्तल था तो द्रव में डूबने के बाद वो कैसा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, तो नेचर उसका चेंज हो जाएगा, चेंज होके वो लेंस कैसे बिहेव करेगा, एक अवतल लेंस की भांति बिहेव करेगा। ठीक है, 28 नंबर पे आ जाते हैं, लिखा है कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 म्यू जी ए, लेंस की वायु में फोकस दूरी दी गई है, वायु में फोकस दूरी को एफ ए से लिख देते हैं 0.4 मीटर।
द्रव में भी फोकस दूरी दी गई है आज उसकी, FL इज इक्वल टू 1.2 मीटर। तो क्या कहा जा रहा है कि द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करिए मतलब वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। तो आपको म्यू एल ए की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। द्रव में लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला आप कई बार यूज कर चुके हैं, उससे ही यूज करेंगे। द्रव में लेंस की फोकस दूरी, एफ एल के लिए हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला यूज करते रहे हैं वो है एफ ए इंटू म्यू जी ए माइनस वन अपॉन म्यू आप जी एल लिख सकते हैं माइनस वन। म्यू जी एल मतलब द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसी द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को हम लिखा करते हैं म्यू जी ए अपॉन म्यू एल ए। तो आज हमने म्यू जी ए अपॉन म्यू एल ए के बजाय म्यू जी एल लिख लिया। इसको निकालेंगे फिर हम वहां तक पहुंच जाएंगे। एफ एल की वैल्यू दी गई है 1.2, एफ ए है 0.4, म्यू जी ए माइनस 1.5 माइनस 1 करेंगे 0.5। इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है तो ऐसा ही लिख रहे रहने दीजिए। आप देखिए एक अंक का दशमलव यहां हटा, एक अंक का दशमलव यहां पर हट गया, ये 4 3 12 तीन बार में कैंसिल हो गया। इसका दशमलव हटा, इसमें जीरो बढ़ा, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप एक काम करिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। तो ये म्यू जी एल माइनस 1 इज इक्वल टू 1/6, 6 ऊपर है नीचे चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब म्यू जी एल उधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये म्यू जी एल की जगह पर क्या आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे, 1 को उधर भेज दीजिए आप, तो ये उधर जाके जुड़ जाएगा बेटा 1 + 1/6। अब आप म्यू जी एल की वो वाली वैल्यू लिख दो जो यहां हम हमेशा लिखा करते हैं। म्यू जी एल की वैल्यू है म्यू जी ए अपॉन म्यू एल ए इज इक्वल टू 7/6। देखिए म्यू जी एल की जगह पर लिख सकते हैं म्यू जी ए अपॉन म्यू एल ए। हमको म्यू एल ए पता लगाना है, म्यू जी ए का मान तो हम 1.5 लिख लेंगे। म्यू जी ए की जगह 1.5, ये म्यू एल ए इज इक्वल टू 7/6। आप ये उधर भेज दो और ये पूरा नंबर इधर लेके चले आओ, तो म्यू एल ए बराबर 1.5 × 6/7। ये पूरा इधर आ जाएगा ना, 6 ऊपर आ जाएगा, 7 इसके नीचे, तो 1.5 × 6/7। तो म्यू एल ए बराबर 6 को 1.5 से गुणा करेंगे, यानी कि 6 का डेढ़ गुना करेंगे, 6 का डेढ़ गुना कितना आएगा, 9/7। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 × 1 = 7, कितने बच गए, 2 बच गए। तो अब 2 बचे, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा सकते हैं आप, 7 × 2 = 14, अब कितने बच गए, 6 बच गए, 60 हो गया, 7 × 8 = 56, फिर कितने बच गए, 4 बच गए, 40 हो गया, तो 7 × 40 हो गया, तो 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35। ये इस तरीके से आप चाहें तो ये भी आपका आंसर लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, समझ रहे हैं ना। आंसर आपका 1.28 आ जाएगा, द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, ठीक है। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और लगा देते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 29 नंबर देख लेते हैं। इसमें कि ये फिगर बना के दिया गया है आपको, इस फिगर में ये देखिए प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं, ये इसमें एरो बना हुआ है, ये उत्तल लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ये प्रकाश किरणें ऐसे डायरेक्टेड हैं, जैसे ये इस बिंदु ओ को निशाना कर रही हैं, इसकी ओर जा रही हैं प्रकाश किरणें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर दर्शाए गए चित्र के अनुसार गिर रही हैं।
प्रकाश की जो किरणें हैं वो उत्तल लेंस में इस दिखाए गए चित्र के अनुसार गिर रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। इसका मतलब ये वस्तु है, आप देखिए लेंस पर जो किरणें आपतित हो रही हैं, इधर पर आप देखोगे इधर से तो फैल के आ रही किरणें, ये जो लेंस पर किरणें आपतित हो रही हैं ये किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु O है उसकी ओर निशाना करते हुए जा रही हैं। अब प्रकाश किरणें, आपतित वाली प्रकाश किरणें या तो किसी वस्तु से चलती हैं और या तो वस्तु की ओर जाती हुई आपको प्रतीत होंगी, समझ रहे हैं। यहाँ पर किसी वस्तु से नहीं आ रही हैं, यहाँ पर प्रकाश किरणें ऑप्टिकल इस प्रिंसिपल एक्सिस पर रखे एक बिंदु की तरफ निशाना करती हैं। देखिए ये बहुत जरूरी है समझना आपके लिए कि इधर तो कोई वस्तु नहीं रखी है क्योंकि वहां से तो किरणें ऐसा फैल के आ रही हैं, ऐसे आपतित किरणें हैं। आपतित किरणें जरूर कहां से, या तो आएंगी वस्तु से और या तो वस्तु की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। तो ये जिस तरफ जहां से आ रही हैं वहां कौन सी वस्तु है हमें नहीं पता है, लेकिन जिस तरफ जा रही है वहां पर एक बिंदु मुझे जरूर दिख रहा है। तो ये जरूर हम कह सकते हैं कि ये आपतित किरणें हैं और ये जिस तरफ जा रही हैं वो जरूर कौन होगा, वस्तु ही होगी। तो ये ओ पर वस्तु रखी है, यहां पर इसकी डिस्टेंस दिखाई गई है, लेंस के प्रकाशित केंद्र से इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब ये किरणें लेंस पर पड़ेंगी, पड़ने के बाद इनका अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के बाद ये कहीं पर जाकर एक दूसरे को मिलेंगी, जहां पर मिलेंगी वहीं पर इस वस्तु का इमेज बन जाएगा। अब वो इमेज कहां बनेगा यही हमको पता लगाना है। देखिए लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर उन्होंने दी हुई है, तो बड़ा इजी है। आप एक छोटा सा काम करिए, सबसे पहले लेंस की फोकस दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो उसको हम 20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस है इसलिए कैसे निशान के साथ लिया जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा। दूसरी चीज, अब क्योंकि ये तो हम समझ ही चुके हैं कि ये कौन है, ये वस्तु है। आपको समझ में आया कि हम इसको वस्तु क्यों कह रहे हैं? आप सोच सकते हैं वस्तु तो हमेशा बाईं ओर होती है, ऐसा नहीं है, हम अपनी सुविधा के लिए हमेशा बाईं ओर रखते हैं, अदरवाइज दाईं ओर भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात समझने के लिए ये है ना कि ये आपतित किरणें हैं और आपतित किरणें जहां से आती है या तो वो वस्तु होती है या जिसकी ओर वो जा रही होती है वो वस्तु होती है। तो यहां आते हुए कहां से आ रही ये तो नहीं दिख रहा हमको, पर ओ की तरफ जा जरूर रही है, इसलिए वस्तु का काम आज यही करेगी। तो आज वस्तु की दूरी बताइए कितनी लेनी चाहिए मुझे, यहां से दूरी नापेंगे, यह डिस्टेंस कितनी लेनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर, प्लस लेना चाहिए कि माइनस? प्लस लेंगे डिस्टेंस, क्योंकि वस्तु लेंस के दाहिनी तरफ है, प्लस लेना है। आपको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है प्रतिबिंब कहां बनेगा, लेंस के दाईं ओर बनेगा, बाईं ओर बनेगा, कितनी दूर बनेगा, स्थिति का मतलब यह होता है। कुछ बात समझ आ रही है हमारी? कभी भी आपसे केवल यह बोल दिया जाए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब दाहिनी तरफ बनेगा लेंस के कि बाईं तरफ बनेगा और कितनी दूरी पर बनेगा, ये दो बातें बताना आपको पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कोई फॉर्मूला है जो इन तीन चीजों को एक दूसरे से रिलेट करता है? लेंस फॉर्मूला, सिंपल। तो आज हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर लेंस फॉर्मूला होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u, u की जगह पर प्लस 10, 1/f की जगह पर प्लस 20, 1/v। बेटा देखो ये माइनस प्लस कैसा हो जाएगा, माइनस, फिर ये माइनस का 1/10 उधर चला जाएगा, तो ये 1/20 प्लस 1/10, 1/20 तो प्लस का रहेगा रहेगा, ये माइनस 1/10 उधर जाके प्लस 1/10 हो जाएगा। अब 1/v इज इक्वल टू 20 LCM ले लेंगे, इस 20 से 20 को भाग देंगे एक बार जाएगा, वो एक का गुणा ऊपर वाले एक से करेंगे तो एक आएगा। अब 10 से 20 को डिवाइड करिए, दो बार जाएगा,
दो का गुणा ऊपर वाले एक से करेंगे तो दो आ जाएगा। इस तरह से 1/v की वैल्यू आ गई 3/20। ये 3/20 v का मान नहीं है, ये 1/v का मान है, इसलिए v की वैल्यू कितनी आएगी 20/3 सेंटीमीटर, मतलब 20 का एक तिहाई। अगर आप इसे डिवाइड करने की सोचेंगे तो 3 × 18 लगभग 6.67 सेंटीमीटर के आसपास डिस्टेंस आएगी। अब देखिए, दो बातें मैंने बोली थी कि अगर आपसे बोला जाता है प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बताइए, तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूरी पर बनेगा, और दूसरा मतलब है प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर बनेगा या दाहिनी तरफ बनेगा। पहली बात तो 6.66 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब बात यह आती है कि बाईं ओर होगा कि दाईं ओर, तो आप देखिए कि डिस्टेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। डिस्टेंस पॉजिटिव है, इट मींस इमेज विल बी एट द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस। यहां पर अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इमेज लेंस से कितनी दूर बन रही है, 6.6 लगभग 6.5 से थोड़ा ऊपर, तो ये इमेज यहां कहीं पर बन जाएगी, इस जगह पर 10 यहां तक की डिस्टेंस है, 6.67 के आसपास ही डिस्टेंस होगी, यहां कहीं पर आकर के इमेज इसकी बनेगी। और ये अब आप समझ भी सकते हो क्योंकि किरणें ऐसे पड़ेंगी, उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है, ऐसे फैला देगा, अपसरित करेगा कि अभिसरित करेगा, अभिसरित करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो ये ऐसे कर देगा किरणों को कन्वर्ज, ऐसे यहां पर जाकर के इसकी इमेज तैयार हो जाएगी लेंस से 6.66 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो इमेज कहां बनेगा, इतनी दूर बनेगा, और लेंस के कहां पर बनेगा, दाईं ओर बनेगा। अगर प्रकृति पूछी होती तो प्रकृति हम बताते, बताइए आपको क्या लग रहा है, वास्तविक है कि आभासी है, आभासी है, कैसे किरणें वहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं या वास्तव में मिल रही हैं। जहां पर इमेज बनी है किरणें वहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं या वास्तव में मिल रही हैं, तो फिर इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक। तो इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा, पूछा नहीं गया है, क्या करोगे लिख के समझ लो आप। अब आप बताएं आपको समझ आया कि नहीं आया, ये ठीक है ना। तो ये देखे, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वस्तु कहाँ है, कितनी दूर पर है, इस तरह से उसका निशान उसका ना, उसका जो साइन होगा इस तरह से डिसाइड होगा, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए, आज 29 तक लगाया, 30 नहीं लगाया, आपको वक्त ज्यादा हो जाता। बाकी क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अगली क्लास पर सॉल्व करेंगे। पर न्यूमेरिकल्स लगाने के साथ साथ आप पिछली थ्योरी भी रिवाइज करते रहिए भाई, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपकी न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, थ्योरी भी आएगी लिखने के लिए। तो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी हम लोग कर चुके हैं पूरी, आप दोनों चीजें रिवाइज करते रहिए समय निकाल निकाल करके, ठीक है, और देखिएगा बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे, थैंक यू।